इंडिया और आयरलैंड के बीच खेले गए बेहद ही रोमांचक मुकाबले का बॉल बाय बॉल पूरा हाईलाइट वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप भी रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन खिलाड़ी समझते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 का बेहद ही रोमांचक और दिलचस्प मुकाबला इंडिया और आयरलैंड के बीच खेला गया। इंडिया इस मैच में टॉस जीत करके पहले बॉलिंग का फैसला किया। दोस्तों आपको बताते हैं, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया। दोनों टीमें नए नए खिलाड़ियों को लेकर के मैदान में उतरी थी। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे आयरलैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान पॉल स्टिंग और उसके साथ बेलबरीन क्रीज पर आए। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से आयरलैंड की शुरुआत हुई, वहीं पर बॉलिंग करने के लिए आए अर्शदीप सिंह। पहले ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने शानदार बॉल किया, लेकिन बल्लेबाज एक रन लेने में कामयाब रहे। दोस्तों आपको बता दें कि पहले ही बॉल पर शानदार टीम का खाता खोलते हुए खिलाड़ी ने यहाँ पे पहले ओवर समाप्ति के बाद 3 रन बना लिए थे। आयरलैंड का खिलाड़ी शानदार बल्लेबाजी कर अपने टीम को मजबूत स्थिति में ले जाना चाहती थी। 2 ओवर के बाद टीम के 7 रन हो चुके थे और 7वें रन पर पहला झटका लगा आयरलैंड की टीम को। अर्शदीप सिंह ने बहुत बड़ा झटका पॉल स्टिंग यानी कि कप्तान के रूप में दिया। दोस्तों आपको बता दें, नए बल्लेबाज टकर अब बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके थे। और दोस्तों आपको बता दें, अर्शदीप सिंह अपने गेंदबाजी से कहर भर पा रहे थे। अगले ही गेंद पर शानदार बॉल करके अर्शदीप सिंह ने बल्लेबाज को बोल्ड कर दिया। बल्बरीन भी चलते बने, दोनों ओपनर बल्लेबाज को दाही के अकड़ा के अंदर ही समेट दिया। अब नया बल्लेबाज ट्रैक्टर क्रीज पर आए थे। दोस्तों आपको बता दें, अर्शदीप सिंह अपने गेंदबाजी से कार भर पा रहे थे और सभी बल्लेबाजों को निस्तो नाबूद कर रहे थे। आयरलैंड की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया था पूरे अर्शदीप सिंह ने और यहाँ पर जसप्रीत बुमराह का आना तो बाकी था। दोस्तों पहले पावर प्ले के समाप्त होने के बाद टीम ने 20 रन से ज़्यादा का स्कोर बना लिया था, लेकिन यहाँ पर टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अगले ही गेंद पर शानदार बोल्ड करके हार्दिक पांड्या ने 13 गेंद पर 10 रन बना करके टकर को आउट कर दिया। बल्लेबाजी करने के लिए कैंपर दनियो बल्लेबाज क्रीज पर आए थे और कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पे बल्लेबाजी हो रहा था, कितने टाइम के बाद पहला चौका लगा था, यहाँ पे शानदार चौका मार करके टीम का स्कोर 36 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन इतने में ही बहुत बड़ा सफलता मिला हार्दिक पांड्या को और इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने ट्रैक्टर को 4 रन पर चलता कर दिया। अपने बल्लेबाज डोकरेल क्रीज पर आए थे। पहले 8 ओवर में टीमें 36 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे और दोनों बल्लेबाज यहां से एक अच्छी साझेदारी कर टीम को अच्छी स्थिति में ले जाना चाहती थी। अगले ही गेंदों पर शानदार चौका छक्का ला करके टीम का स्कोर 50 रनों के करीब पहुंचा दिया। इस बॉल पे शानदार छक्का मारने के बाद बहुत बड़ा अपील हुआ, ऋषभ पंत ने कैच लिया और इतने में ही टीम को एक और झटका लगा। दोस्तों आपको बता दें, 44 पे अपने 5 विकेट गंवा चुकी आयरलैंड की टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी। बल्लेबाज 12 रन मार करके आउट हो गए। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, हर्षदीप सिंह कहर भर पा रहे थे। अब डेलनी नए बल्लेबाज क्रीज पर आए थे। 9 ओवर में 44 पर 5 विकेट गंवा चुकी आयरलैंड की टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी। अगले ही गेंद पे छक्का मारने के चक्कर में एक और विकेट गंवा दिया। मोहम्मद सिराज का सिक्का बने डोकरेल 5 गेंदों पर 3 रन बना करके आउट हुए। अब मार्क अडायर क्रीज पर आए थे 8वें बल्लेबाज के तौर पे, लेकिन मार्क अडायर भी चलते बने। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से यहां पे शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि यहां पे टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। मार्क अडायर आउट हुए और इसके साथ ही टीम को 49 रन पर 7वां झटका लगा। 2 गेंदों पर 3 रन बना करके मार्क अडायर हार्दिक पांड्या का शिकार बने। अब नए बल्लेबाज मैकडी क्रीज पर आए थे। हार्दिक पांड्या 3 विकेट 13 रन देकर के लिए थे। हैट्रिक का चांस था और हैट्रिक बॉल पर थे हार्दिक पांड्या। दोस्तों आपको बता दें कि 3 ओवर में 13 रन देकर के 3 विकेट लेकर के हार्दिक पांड्या पूरे आयरलैंड को रिश्तों नाबूद कर चुका था। अक्षर पटेल द न्यू बॉलर क्रीज पर आए थे बॉलिंग करने के लिए। 50 रन का आंकड़ा आयरलैंड की टीम पार कर चुकी थी अपने 7 विकेट गंवाने के बाद। अक्षर पटेल ने आते ही बहुत बड़ा झटका दिया आयरलैंड की टीम को और मैकडायर 0 पे आउट हो गए। 6 गेंदों का सामना किया, 0 पे आउट हो गए। इसके साथ ही टीम को 8वां झटका लगा। 52 पे 8 विकेट गंवा चुकी आयरलैंड की टीम यहां से कुछ बैक करना चाहती थी, लेकिन अगले ही गेंद पे शानदार छक्का मार करके खिलाड़ी ने अपना मंसूबा साफ कर दिया और टीम का स्कोर 60 रनों के पार पहुंचा दिया। यहां से टीम को एक अच्छा रन चाहिए था जो कि सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा सके। विराट कोहली आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप भी विराट कोहली को दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में कमेंट करके अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि अगले गेंद पे शानदार चौका मार करके टीम का स्कोर 70 रनों के पार पहुंचा
बना दिया। यहाँ पे टीम ने अपने 73 रन बना लिए थे 8 विकेट गंवाने के बाद। जसप्रीत बुमराह आए और जसप्रीत बुमराह छाए। दोस्तों आपको बता दें, जसप्रीत बुमराह ने शानदार यॉर्कर मारने के चक्कर में चौका मरवा बैठे और अगले ही बॉल पे जसप्रीत बुमराह ने शानदार यॉर्कर मार करके पूरे डंडे ही बाहर कर दिए। दोस्तों आपको बता दें कि अगले ही गेंद पे जसप्रीत बुमराह ने जोशुआ लिटिल को 14 रनों पर आउट कर दिया। इसके साथ ही 79 पर 9 विकेट गंवा चुकी आयरलैंड की टीम अब स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि 100 रन भी बनना मुश्किल है दोस्तों, लेकिन अगले ही गेंद पे शानदार चौका मार करके टीम का स्कोर 83 रनों के पार पहुंचा दिया। और यहां पे लास्ट बल्लेबाज क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे थे, अगले गेंद पे शानदार छक्का मार करके अर्शदीप का बॉल पे इस ओवर में 15 रन बटोर डाले। दोस्तों आपको बता दें, इस ओवर में 15 रन मार करके अर्शदीप सिंह का ओवर में छक्के और चौके मार करके आयरलैंड की टीम ने इस ओवर में 15 रन लेकर के टीम का स्कोर 90 रनों के पार पहुंचा दिया। आयरलैंड की टीम को अब यहां से एक लक्ष्य के और पहुंचना था। अगले ही बॉल पे 9 बॉल मिला, फ्री हिट था, लेकिन इस बॉल को भुना नहीं पाए और इस बॉल पे 2 रन लेने के प्रयास में खिलाड़ी रन आउट हो गए और आयरलैंड की टीम पूरी 97 रन पर सिमट गई। दोस्तों आपको बता दें, जिस तरह से यहां पे आयरलैंड ने खराब परफॉर्मेंस किया, अब यहां पे टीम इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 97 रन चाहिए था, वो भी 20 ओवर में। इंडिया को लक्ष्य मिला था 20 ओवर में 97 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी भारतीय टीम। भारतीय टीम के दो दिग्गज सुपरस्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए और मार्क एडायर आयरलैंड की तरफ से बॉलिंग करने के लिए आए। पहले ही गेंद पे वाइड देकर के मार्क एडायर ने टीम का खाता खोल दिया। इंडियन टीम यहां पे 5 गेंदों पर 3 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहा था। रोहित शर्मा ने इस गेंद पे शानदार चौका मार करके पहले ओवर में टीम का स्कोर 7 रनों के पार पहुंचा दिया। रोहित शर्मा ने अपना और अपने टीम का खाता चौका के साथ खोला। दोस्तों आपको बता दें, जिस तरह से यहां पे रोहित शर्मा विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे, अगले ही ओवर में जोशुआ लिटिल बॉलिंग करने के लिए आए, लेकिन रोहित शर्मा ने यहां पे बाय मिस्टेक चौका मार दिया। दोस्तों आपको बता दें कि यहां पे तो ऐसा लग रहा था एक वक्त पे विकेट पे बॉल जा लगी, लेकिन रोहित शर्मा का खुशकिस्मत समझिए कि अगले ही गेंद पे शानदार छक्का मार करके रोहित शर्मा ने अपने और अपने टीम का स्कोर, टीम इंडिया का स्कोर 22 रनों के पार पहुंचा दिया। रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे और तगड़ी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इतने में ही विराट कोहली के रूप में बहुत बड़ा झटका लगा और विराट कोहली फ्लॉप साबित हुए। 2 रन बनाकर के 1 रन बनाकर के 5 गेंदों पर विराट कोहली चलते बने। अब तीसरे नंबर पर ऋषभ पंत द बल्लेबाज क्रीज पर आए। ऋषभ पंत ने आते ही शानदार चौका मार करके अपना खाता खोला और इसके साथ ही टीम इंडिया का स्कोर 26 रनों के पार पहुंचा दिया। ऋषभ पंत के शानदार चौके के दम पे रोहित शर्मा और ऋषभ पंत मिलकर के 3 ओवर में टीम का स्कोर 26 रनों के पार पहुंचा दिया। आप बॉलिंग करने के लिए कार्थी द बॉलर क्रीज पर आए थे और जिस तरह से आयरलैंड की टीम का धुनाई हो रहा था, ऐसा लग रहा था टीम इंडिया मानो इस मैच को 10 ओवर में जीतने का प्रयास में हो। 35 पे 1 विकेट गंवा चुकी भारतीय टीम यहां पे शानदार चौके छक्के लगा रही थी। ऋषभ पंत और रोहित शर्मा संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे, दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी के लिए में नजर आते। 7 ओवर में 43 रन बना चुकी टीम इंडिया को अब जीत के लिए सिर्फ 54 रनों की दरकार थी। अगले गेंद पे शानदार चौका मार करके टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा दिया। जिस तरह से यहां पे रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था आग उगल है। शानदार चौका मार करके टीम का स्कोर 52 रनों के पार पहुंचा दिया। अगले गेंद पे शानदार छक्का मार करके रोहित शर्मा ने टीम का स्कोर 58 रनों के पार पहुंचा दिया। अब टीम को यहां से सिर्फ 40 रनों की दरकार थी। ऋषभ पंत रोहित शर्मा के बीच अच्छी साझेदारी हो चुकी थी, दोनों बल्लेबाज संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे, दोनों बल्लेबाज शानदार लय में भी दिख रहे थे। यहां पे रोहित शर्मा शानदार 50 रन बना करके अपना और अपने टीम का स्कोर शानदार मैच के नज़दीक पहुंचा दिया। जिस तरह से रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे, अगले ही गेंद पे शानदार छक्का मार करके अपना स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। रोहित शर्मा ने शानदार चौका लजर करके 36 गेंदों पर अपना 50 रन पूरा किया और रोहित शर्मा 139 का स्ट्राइक रेट से अपना 50 पूरा किया और 50 रन बनाने के बाद रोहित शर्मा 37 गेंदों पर 52 रन बना करके रिटायर हट हो गए। अपने बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, 10 ओवर में 76 रन बना चुकी टीम इंडिया अब यहां से सिर्फ 21 रन चाहिए थे और रोहित शर्मा के बाद ऋषभ पंत के कंधों पर सारोदारो मदार था। रोहित शर्मा के बाद ऋषभ पंत शानदार छक्के लगाकर के टीम का स्कोर 83 रनों के पार पहुंचा दिया। अब जीत के लिए सिर्फ 14 रनों की दरकार थी और ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव क्रीज पर थे। बेन वाइट बॉलिंग करने के लिए आए थे, यहां पे 54 गेंदों पर 12 रनों की दरकार थी। 85 पर 1 विकेट गंवा चुकी भारतीय टीम शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। 22 गेंदों पर ऋषभ पंत 25 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे थे। अगले गेंद पे शानदार चौका मार करके टीम का स्कोर बेहद
बेहद जीत के नज़दीक लाके खड़ा कर दिया गया। 51 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे, लेकिन रोहित सूर्य कुमार यादव के रूप में एक और झटका लगा टीम इंडिया को। ये दूसरा झटका था, 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर के सूर्य कुमार यादव चलते बने। अब 5वें नंबर पर शिवम दुबे द बल्लेबाज क्रीज पर आए थे, 50 गेंदों पर 6 रन चाहिए था। ऋषभ पंत ने शानदार रिवर स्वीप में छक्का मार करके टीम को जीत दिलवा दिया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने इस मैच को 8 विकेट से जीत लिया और अपने T20 वर्ल्ड कप के पहले ही मुकाबले में शानदार जीत दर्ज किया। इसके साथ ही टीम इंडिया शानदार जीत के साथ ही अपना आगाज किया है T20 वर्ल्ड कप 2024 में। दोस्तों आपको कुछ बता दें कि इस मैच का लेखा जोखा कुछ इस प्रकार से रहा, आपके स्क्रीन पर पूरा स्कोर कार्ड। दोस्तों आपको बता दें कि इस मैच के हीरो रहे रोज सुपरहिट शर्मा को आप भी दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी समझते हैं। इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय।